दोस्तों, चलिए आज जानते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में, जिसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है, लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। नंबर सेकंड, रक्त के मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है, रक्त मुख्य रूप से पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन में शामिल होता है। यह शरीर के तापमान के नियमन के लिए भी जिम्मेदार है। नंबर थर्ड, लाल रक्त कोशिकाओं का सामान्य जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 100 से 120 दिनों का होता है। हालांकि बीमारियां या बीमारियों के कारण जीवन काल काफ़ी कम हो सकता है। नंबर फोर्थ, ल्यूकोसाइट क्या है? तो इसका आंसर है, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है। वे शरीर को रोग जनकों और संक्रमणों से सुरक्षित रखने का कार्य करती है। नंबर फाइव, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि शरीर में प्रवेश करने वाली रोगजनक कण या विदेशी पदार्थ फागोसाइटोसिस द्वारा जल्दी से नष्ट हो जाए। नंबर सिक्स है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर है, WBC का सामान्य जीवन काल लगभग 12 से 20 दिनों का होता है। हालांकि RBC की तरह यदि व्यक्ति बीमार है तो WCB का जीवन काल प्रभावित हो सकता है। WBC की गिनती व्यक्ति की उम्र के साथ बदलती है। उदाहरण के लिए, एक नवजात शिशु में एक वयस्क की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक WBCS होते हैं। नंबर सेवन, RBC और WBC के आकार का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, लाल रक्त कोशिकाएं डिस्क के आकार की और उभयलिंगी होती है। इस बीच श्वेत रक्त कोशिकाओं का कोई परिभाषित आकार नहीं होता। नंबर एट, श्वेत रक्त कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार बताइए। तो इसका आंसर है, श्वेत रक्त कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती है। न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स। नंबर नाइन, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है, लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में निर्मित होती है। हालांकि रक्त प्रवाह में छोड़ी जाने से पहले इसे परिपक्व होने में लगभग 7 दिनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जिसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।